हम अपना वर्कआउट शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, बिकॉज वार्म अप इज वेरी नेसेसरी बिफोर योर वर्कआउट टू स्टे सेफ फ्रॉम इंजरी। तो हमारा पहला वार्म अप एक्सरसाइज है हिप ट्विस्ट। हमें इसके लगाने हैं 2 sets for 10 reps। दिस एक्सरसाइज helps टू इम्प्रूव योर स्पाइनल मोबिलिटी। तो हमारी सेकेंड वार्म अप एक्सरसाइज है डीप स्क्वाट होल्ड, और इस एक्सरसाइज के भी हमने 2 sets लगाने हैं एंड हमें होल्ड करना है फॉर 1 minute इन ईच सेट। डीप स्क्वाट होल्ड के बहुत सारे फायदे होते हैं। इट helps टू इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव हेल्थ, इट helps टू इम्प्रूव योर एंकल मोबिलिटी, इट helps टू इम्प्रूव योर डीप हिप मसल स्ट्रेंथ, एंड इट ऑल्सो helps यू टू इंक्रीज योर हिप मोबिलिटी, ताकि जब भी आप स्क्वाट लगाते हो तो आप पूरी तरह नीचे जा सको, एक फुल स्क्वाट लगा सको, बिकॉज आपके बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाफ स्क्वाट लगाते हैं बिकॉज दे हैव स्टिफनेस इन देयर बॉडी। और अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है, देन एड दिस एक्सरसाइज इन टू योर वर्कआउट रूटीन एंड आप बहुत जल्द रिजल्ट देखोगे। बहुत जल्द आप खुद देखोगे कि आप हाफ स्क्वाट से फुल स्क्वाट लगाने लगोगे बिकॉज ऑफ ओनली दिस वन एक्सरसाइज।
come and now it's time for shoulders. So don't wish for a good body, work for it. We'll be right back.
जिम से बाहर जाना ही नहीं है, और अगर आपने स्ट्रेचिंग नहीं किया है और अगले दिन अगर आपके टांगों में दर्द हो तो आप मुझे ब्लेम ना करें।